और पड़ो पड़ा, पड़ा जो है उसकी इतनी वैल्यू जो है वो गिर गई रिक, रिकवरेबल वैल्यू इसकी जो थी रिकवरेबल अमाउंट जो है वो कम हो गई फॉर सम रीजंस ये होता है वो जो रीजंस होती हैं वो यहां पर आपके साथ मैं पहले शेयर करता हूँ एग्जामिनर इसमें चार छः मार्क्स का या कम मार्क्स का सवाल डाल सकता है और सारी लॉजिकल रीजन्स हैं इन रीजन को समझने से पहले दोबारा दिमाग में एक बात ले आइए कि एसेट इज लूजिंग इट्स रिकवरेबिलिटी फॉर द एंटिटी ठीक है अब जब एसेट इज लूजिंग इट्स रिकवरेबिलिटी फॉर द एंटिटी उसकी रीजन क्या हो सकती है एसेट की अपनी वैल्यू का डाउन होना हो सकता है या एसेट जिस प्रोडक्ट को बना रहा है उस प्रोडक्ट की मार्केट में एक्सेप्टेबिलिटी नहीं है कोई इकोनॉमी एक, चेंज हो गई या कोई और फैक्टर्स ऐसे आ गए इकोनॉमी में कोई चेंज आई या कोई फैक्टर ऐसे आया जिसकी वजह से आपकी प्रोडक्ट जो है जिस एसेट से बनती है वो मार्केट में एक्सेप्टेबल नहीं है या फिर मार्केट इंटरेस्ट रेट इंक्रीज हो गया अब यहां पर आप कहेंगे सर मार्केट इंटरेस्ट रेट इंक्रीज हुआ है आप कह रहे हैं कि एसेट इंपेयर हो गया ये क्या बात कर रहे हैं इसका क्या ताल्लुक बन रहा है सुनिएगा आपने बचपन में स्टैटिस्टिक्स पढ़ी क्वांटिटेटिव मेथड्स पढ़े यार, है? यार हैं नैक डॉट कॉम स्टैटिस्टिक्स बेटे क्यों एम पढ़ी है ना अच्छा उसके अंदर आपने फाइनेंशियल पार्ट मैथमेटिक्स का और स्टैटिस्टिक्स इनमें आपने कहीं प्रेजेंट वैल्यू पढ़ा ठीक है अब वो जो प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट करना आपने सीखा था वो क्या था फ्यूचर में जो कैश फ्लो थे उनको डिस्काउंट डाउन करते हैं एक पांच परसेंट पर फैक्टर लेंगे वो ज्यादा आएगा अगर दस परसेंट पर लेंगे तो फैक्टर कम हो जाएगा ना ऐसा कभी आपने किया था क्वेश्चन तो जैसे इंटरेस्ट रेट बढ़ता है फैक्टर डिस्काउंट फैक्टर कम हो जाता है वो डिस्काउंट फैक्टर अगर आप एसेट्स की फ्यूचर कैश फ्लोज पे अप्लाई करेंगे तो फिर आपको उसकी रिकवरेबिलिटी कम ही नजर आएगी ना तो ये वो पॉइंट है कि इंटरेस्ट रेट अगर बढ़ेगा तो आपका डिस्काउंट फैक्टर कम हो जाएगा डिस्काउंट फैक्टर कम होगा तो आपकी वैल्यू इन यूज रिड्यूस हो जाएगी इस पर अभी मैं थोड़ी सी बात फर्दर करूंगा इसके बाद नंबर फोर पॉइंट आपको जो एक्सटर्नल में नजर आ रहा है वो नजर आ रहा है कि मार्किट मार्केट कैपिटलाइजेशन फॉल कर गई कंपेयरिंग विद द बुक वैल्यू ऑफ द एसेट्स नेट एसेट्स ये क्या पॉइंट है ये पॉइंट ऐसे है कि आपकी मार्केट कैपिटलाइजेशन होती है मार्केट रेट जो शेयर का है शेयर प्राइस जो है मार्केट की वो मल्टीप्लाई करते हैं आप नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स के साथ वो नंबर ऑफ़ इक्विटी शेयर्स के साथ मल्टीप्लाई करते हैं मार्केट कैप कहते हैं इसको हम कि मार्केट कैपिटलाइजेशन इतनी है हमारी अब आप जरा देखिए यहाँ पर ये दो आपको नज़र आ रही है। हैं बैलेंस शीट की शक्लें इस तर्ज पे, एक मैंने लाइन लगा के बात की है लेफ्ट साइड पर आपको बुक वैल्यू पर एसेट है एक 100 का लाइबिलिटी है तीस की नेट एसेट है सत्तर के दूसरी तरफ आपकी ओनर्स इक्विटी में 50 की शेयर कैपिटल है और 20 की रिटेन अर्निंग है अब मार्केट में 10 शेयर्स आपके फ्लोट हैं और फेस वैल्यू उनकी पांच है बुक वैल्यू इसलिए उसकी 50 नजर आ रही है अब मार्केट अगर चार रुपए का शेयर हो जाती है तो आपकी टोटल दस रुपए दस नंबर ऑफ शेयर के साथ जब मल्टीप्लाई करेगा तो मार्केट कैपिटलाइजेशन कहलाएगी लाएगी चालीस मार्केट कैपिटलाइजेशन कवर करती है हर तरह के रिजर्व्स को भी तो आपके शेयर की जो कैपिटलाइजेशन बन रही है शेयर की जो वैल्यू बन रही है वो बन रही है फोर्टी अब जब ये साइड फोर्टी है कोई ये तो नहीं कहेगा अच्छा जी हमें कम पैसे दे देना जिन्होंने कर्जा दिया वो तो तीस का तीस ही लेंगे अल्टीमेट इंपैक्ट किस पे पड़ेगा आपका एसेट्स पे एसेट्स नीचे आ गए तो ये भी एक इंडिकेटर होता है कि एसेट की आपकी जो है वैल्यू फॉल होती हुई नजर आ रही होती है तो ये बेटे चार इंडिकेटर्स हैं एक्सटर्नल और चार ही इंडिकेटर्स हैं आपके इंटरनल फॉर इंपेयरमेंट एसेड डैमेज हो गया अब वो रिकवर नहीं कर सकेगा अपनी वैल्यू को डिसकॉन्टिन्यूएस और रीस्ट्रक्चरिंग ऑफ द यूनिट वो जिस यूनिट में एसेट इस्तेमाल हो रहा है उसको आप रीस्ट्रक्चर कर रहे हैं रिडक्शन इन एसेट एसे एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ उसकी यूजफुल लाइफ जब कम हो जाती है तो इंपेयरमेंट का मसला क्रिएट हो जाता है ठीक है और एंटिटीज परफॉर्मेंस इज वर्स देन द एक्सपेक्टेड उसकी परफॉर्मेंस ठीक नहीं चल रही है तो इन सारी वजूहत की बिना पर इंपेयरमेंट होती है इंपेयरमेंट जब भी होती है अगर कोई बच्चा फर्स्ट टाइम भी इसको पढ़ रहा है तो बड़ी तवज्जो से इस बात को देखे इंपेयरमेंट जब भी होती है उसकी रिकवरेबल अमाउंट को कैलकुलेट किया जाता है दो तरीकों से एग्जाम्पल दूंगा आपके पास जो लैपटॉप है अगर आप ग्राफिक डिजाइनर हैं आपका लैपटॉप आपको दो तर्ज पे अपनी वैल्यू रिकवर करके देगा आपने सपोजली एक लाख रुपए का लैपटॉप खरीदा एक तो तरीकेकार ये आप उसको यूज करते रहें वो लैपटॉप आपको रिकवर करके कर देगा अपनी वैल्यू दूसरा ये है कि आप उसको मार्केट में बेच दें अपनी वैल्यू रिकवर कर देगा तो वैल्यू इन यूज एंड फेयर वेललेस कॉस्ट टू तो सेल का ये कॉन्सेप्ट है आप देखना ही है चाहते हैं कि मेरी रिकवरेबल अमाउंट कितनी है इन दोनों में से जो ज्यादा है वो आपकी रिकवरेबल अमाउंट है क्योंकि आप तो कभी नहीं चाहेंगे ना कि कम रकम को कबूल कर लो इन दोनों में से जो ज्यादा है वो रिकवरेबल अमाउंट है और वो एसेट उसमें से एकटिव डेप्रीसिएशन माइनस करने के बाद ये ये उसकी रेजल वैल्यू थीमुलेटिव डेप्रीसिएशन माइनस करने के बाद जो उसकी नेटबुक वैल्यू वो कैरिंग अमाउंट है तो कैरिंग अमाउंट को आप रिकवरेबल अमाउंट के साथ मैच करें अगर कैरिंग अमाउंट ज्यादा है तो इंपेयरमेंट लॉस होगा अगर आपकी कैरिंग अमाउंट कम है रिकवरेबल ज्यादा है तो कोई इंपेयरमेंट हुई नहीं फॉलोड इंपेयरमेंट कब होगी जब उसकी कैरिंग अमाउंट ज्यादा होगी रिकवरेबल से जब मैंने शुरू में आपको एग्जांपल दी कि आपका एसेट पांच लाख का है रिकवर हो सकता है तीन लाख तो आप क्या कहेंगे कि दो लाख से इम्पेयर हो गया अगर आपका रिकवर हो सकता है सात लाख तो फिर आप पांच लाख पर ही बैलेंस शीट में एसेट को शो करेंगे ठीक बात दैट अगली बात है अब एक और बड़ी इंपॉर्टेंट बात मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहूंगा प्रेजेंट वैल्यू कैसे कैलकुलेट की जाती है मैंने अमूमन देखा स्टूडेंट्स दिमाग इस्तेमाल किए बगैर कंफ्यूज होकर इसको देख रहे होते हैं और काम गड़बड़ हो जाता है बाय द वे इस क्वेश्चन में भी बड़ी सादा सी बात है उसने आपको प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर कैश फ्लोज दी है जो कि वैल्यू इन यूज है अगर यूज करते रहेंगे तो कैश फ्लो आएगा और जो कैश फ्लो फ्यूचर में आना उसको डिस्काउंट करेंगे तो प्रेजेंट वैल्यू आएगी एक तो वो आपका कंपोनेंट है जिसको कंपेयर करेंगे आप फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल के साथ उसने बताई हुई है सवाल के अंदर के वो दो सो है ठीक है ये बताई हुई है इन दोनों में से जो ज्यादा है टू हंड्रेड एंड फोर्टीन पॉइंट सिक्स ज्यादा है अब यहां पर आप देखते हैं कि डेप्रीसी करने के बाद आपकी नेटबुक वैल्यू टू सेवनटीन है तो इंपेयर हो रहे टू पॉइंट फोर से अच्छा जो बात मैं आपको बताना चाह रहा हूं बेटे आपको एसेट की फ्यूचर कैश फ्लोस दी हुई होती है मैं जिस जिस को येलो हाईलाइट करूं उस पर आपने फोकस करना है तीन साल है और ये एसेट आपको पहले साल के एंड पर चार रुपया कैश फ्लो देगा फिर दूसरे साल के एंड पे 800 और तीसरे साल के एंड पर 1200 का कैश फ्लो देगा इस पर आपने ये फैक्टर एक साल का दो साल का और तीन साल का लगाना है आपने फार्मूला प्रेजेंट वैल्यू का क्या लिया हुआ वन डिवाइडेड बाई वन प्लस आई रेस टू तो पावर एन ऐसे ही पढ़ा हुआ है तो वन डिवाइडेड बाई वन प्लस आई प्लस आई आई इज द रेट टेन परसेंट को पॉइंट वन के तौर पर हम लिख रहे हैं रेस्ट टू तो पावर एन आपके पास ये फैक्टर आ गया इसको कहते हैं पी वी आई एफ प्रेजेंट वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर प्रेजेंट वैल्यू टेबल्स देखे हुए हैं बच्चों ने प्रेजेंट वैल्यू टेबल में टेबल थ्री जो है उसके अंदर पी आई एफ है और टेबल फोर जो है उसमें एनुइटी है स्टूडेंट कंफ्यूज होता है एनुइटी रेट कब लगाना है और पी आई एफ इंडिविजुअल फैक्टर कब लगाना है वह मैं आपको बता रहा हूँ असल में आपके पास डिफरेंट डिफरेंट कैश फ्लोज हैं हर साल में आप पी अप्लाई करेंगे टेबल थ्री से आप रेट उठाएंगे जब आपके पास सेम कैश फ्लो हर साल में आ रही है अब आप चाहें इसको अलग अलग करें देखिएगा जरा कैलकुलेटर उठाइए दो तीन मिनट की कैलकुलेशन आपको कॉन्फिडेंस देगी अगर आप मुझ पर ट्रस्ट करते हुए देखते हैं तो ट्रस्ट कर लें कि मैंने जो कैलकुलेट किया ठीक कैलकुलेट किया हुआ है ठीक विजिबल है ज़्यादा बड़ा तो ना करो ओके अच्छा अब देखिए इन तीनों का टोटल जो है वो ये टू पॉइंट फोर एट सिक्स सेवन है ओके आप इसको इंडिविजुअल इंडिविजुअल मल्टीप्लाई करें जो रिजल्ट आ रहे हैं या एक मरतबा एन को इसके सम के साथ मल्टीप्लाई करें आंसर दोनों का सेम होगा बस इतना ही फर्क है कि आपने एन फैक्टर कब लगाना है और आपने पीवीआईएफ फैक्टर कब अप्लाई करना है पीवीआईएफ जब इंडिविजुअल इंडिविजुअल कैश फ्लोज हैं उस साल की आपने देखनी है उस पर आपने प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट कर लेनी है ये आपने फार्मूला पढ़ा था पीवीआईएफ ए कैलकुलेट करने का याद आ रहा है ठीक है और वो है क्या वो सम ऑफ जैसे इधर मैंने कहा कि फ्यूचर अब सवाल देखो उसने सिर्फ ये कहा कि फ्यूचर कैश फ्लोज आर एक्सपेक्टेड टू अकर वन थाउजेंड एट द एंड ऑफ ईच ईयर फॉर ट्वेंटी ईयर्स कहता है बताओ प्रेजेंट वैल्यू की वैल्यू इन यूज कैलकुलेट करो अब स्टूडेंट के वैल्यू इन यूज कैसे मैं कैलकुलेट करूं मुझे तो 20 सालों की उसने दी नहीं कैश फ्लोज ही नहीं दी हुई लेकिन उसने कहा कि एन है आपकी हर साल आपको जो है वो वन थाउजेंड कैश फ्लो जनरेट होगा आप उन एन ओ का जब सम करते हैं या पी वी आई एफ से उठाते हैं डायरेक्टली आपके पास रेट आ जाता है या ये वाला फार्मूला अप्लाई करते हैं आपके पास पी वी आई आ जाता है उसको वन थाउजेंड पे अप्लाई करते हैं तो आपके पास वैल्यू इन यूज़ आ जाती है प्रेजेंट वैल्यू फ्यूचर कैश फ्लोज जा आ जाती हैं एक और बात पर स्टूडेंट कंफ्यूज होते हैं ये जो मैं रिमेनिंग यूजफुल लाइफ वाली बात कर रहा था इसको थोड़ा सा तवज्जो से सुन लें एक मरतबा फिर से फिक्स्ड एसेट आपका फर्स्ट जनवरी को कॉस्ट कर रहा है हंड्रेड थाउजेंड का फर्स्ट जनवरी को उसकी डेप्रिसिएशन है ट्वेंटी थाउजेंड और आपने थर्टी फर्स्ट दिसंबर को उसकी यूजफुल लाइफ डिटर्मिन किया दो साल की यहां पर मेरा सवाल है 31 दिसंबर को जब आप डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करेंगे तो किस अमाउंट को कितने पे डिवाइड करेंगे अमूमन स्टूडेंट्स यहां पे कंफ्यूज होते हैं और कहते हैं कि सर इसमें जो 80,000 है उसको रिमेनिंग टू ईयर पे डिवाइड कर दें वो ये भूल जाते हैं कि हमने इस साल की डिप्रिसिएशन कैलकुलेट नहीं की हुई अभी तक इस साल के बाद इस डेट के बाद दो साल है उसकी जिंदगी टोटल हमने देखना क्या होता है रिमेनिंग फ्रॉम द स्टार्ट ऑफ द रिपोर्टिंग पीरियड ये देखना होता है ये ये जुमला बताने के लिए मैंने इस नैरियो को आपके सामने पेश किया रिमेनिंग पीरियड फ्रॉम द स्टार्ट ऑफ द रिपोर्टिंग पीरियड ये जो मैंने रिपोर्टिंग पीरियड आपका बताया था आप इस डेट पे कह रहे हैं कि जी आपकी रिमेनिंग लाइफ टू इयर्स है आपने कहां से लेनी है स्टार्ट ऑफ द रिपोर्टिंग पीरियड से तो अंडरस्टूड है कि एक साल उसमें ऐड तो फिर आपकी जिंदगी का पता चलेगा ना कितनी रिमेनिंग रह गई है क्योंकि इस साल की भी डेप्रिसिएशन कैलकुलेट ही नहीं हुई फॉलोड हां अगर इस डेट पे कहता है कि इसकी रिमेनिंग लाइफ टू इयर्स है तब ठीक था तब आप अस्सी हजार को दो से डिवाइड करते कॉन्सेप्ट क्लियर अब ये वाली बात मैंने उधर बता दी है आपको अच्छा जी इस एसेट में भी चंद खूबसूरत बातें हैं इस क्वेश्चन के अंदर ये क्वेश्चन डिस्कस करने के बाद मैं आपको लेकर जाऊंगा आई एस एट की तरफ देखो बेटे वो ये कह रहा है पाँच साल गुजरने के बाद हमें पता चला कि एसेट जो है वो इम्पेयर हो रहा है एसेट की कुल जिंदगी जो है वो उसने कही है कि पंद्रह साल है कुल जिंदगी पंद्रह साल है पाँच साल गुजर चुके अब ऑनवर्ड्स उसकी जो जिंदगी है उसके आपने कैलकुलेट करने हैं ना प्रेजेंट वैल्यू अब वो जो आपको कैश फ्लो आ रहा है उसको आपने ऑनवर्ड्स जो साल बाकी रह गए हैं उस पर उसकी यूजफुल लाइफ उस पर आपने उसकी जो है प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट करनी है मैं सवाल को एक मत को आपके सामने पढ़ दूं आपको ज्यादा अच्छा समझ आएगा फिर कह रहा है स्काई लाइन लिमिटेड ऑपरेट्स अ फोर स्टार होटल फैसिलिटी इन मरी द होटल वॉज कंस्ट्रक्टेड एट ए कॉस्ट ऑफ थ्री हंड्रेड मिलियन तवज्जो से सुनिएगा फाइव इयर्स बैक एंड इट इज डेप्रीसिएटेड ऑन स्ट्रेट लाइन पांच साल पहले आपने इसको कंस्ट्रक्ट किया था आज से पांच साल पहले उस वक्त उसकी यूजफुल लाइफ पंद्रह साल डिटर्मिन हुई थी इसका मतलब आज से ऑनवर्ड बाकी इसकी जो है दस साल है और आपने इसको डेप्रिसिएट बीस परसेंट पे करना शुरू किया था स्ट्रेट लाइन मैथड के मुताबिक देर आर इंडिकेटर्स दैट द प्रॉपर्टी इज नॉट परफॉर्मिंग एज एक्सपेक्टेड हमने देखा था ना कि अगर परफॉर्मेंस एज एक्सपेक्टेड ना हो तो एक इंडिकेटर है एम्पेयरमेंट का जैसे इंडिकेशन आती है एम्पेयरमेंट टेस्ट करते हैं हम ओपनिंग ओवर कंपिटिंग बिकॉज ऑफ एक नया होटल खुल गया और अ सिग्निफियंट ड्रॉप इन नंबर ऑफ टूरिस्ट टू द एरिया बिकॉज ऑफ टेररिज्म लोग मरी जाना बंद करके हाल ही में ऐसा मसला भी हुआ है देख सब फोर्टी परसेंट ये बहुत इंपॉर्टेंट पैराग्राफ है कहता है फोर्टी परसेंट प्रॉबेबिलिटी है कि होटल विल जनरेट कैश फ्लो ऑफ फोर्टी मिलियन पर एन कि उसका कैश फ्लो जो होगा फोर्टी मिलियन पर एन होगा इसकी फोर्टी परसेंट प्रॉबिलिटी है और वो कहता है कि सिक्सटी परसेंट प्रॉबिलिटी है कि इसका कैश फ्लो जो होगा ट्वेंटी परसेंट पार एनम होगा ट्वेंटी मिलियन पर एनम होगा अब आप कंफ्यूज आप कैश फ्लो चालीस मिलियन लें या बीस मिलियन लें आप प्रॉबिलिटी बेस्ड इसके कैश फ्लोज की तरफ आएंगे आप ये वर्किंग करेंगे आप कहेंगे कि जी हमारी जो कैश फ्लो है वो इस तरह से है 40 मिलियन की प्रोबेबिलिटी और 20 मिलियन की प्रोबेबिलिटी ली आपके पास कैश फ्लो आ गया 28, एक मसला तो हाल हुआ अब इसको डिस्काउंट करना है वो हम देख लेते हैं वापस आइए कहते हैं द प्रॉपर्टीज नेट ऑपरेटिंग इनकम इज थर्टी मिलियन नेट ऑपरेटिंग इनकम का मतलब क्या है नेट प्रॉफिट कह लें आप जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट आपको मैंने कहा था ना ऑपरेटिंग प्रॉफिट थर्टी मिलियन है विच इज एट द रेट पंद्रह परसेंट यहां तक रुके और बिल्कुल मेरी बात को कॉमन सेंस लेवल पे लीजिए अगेन वही यूनिटी वाला मेथड आ रहा है इसके अंदर अगर मैं आपको कहूं कि आप को तीस रुपये प्रॉफिट मिलेगा जो कि पंद्रह परसेंट के, के हिसाब से मिल रहा है तो बताएं इन्वेस्टमेंट कितनी होगी इन्वेस्टमेंट टाइम्स परसेंटेज इज इक्वल टू प्रॉफिट यही होता है ना तो अब आपने अगर ये करना है तो आप इन्वेस्टमेंट इज इक्वल टू प्रॉफिट डिवाइडेड बाय परसेंटेज आएगा ना आप यूनिट इसकी कैलकुलेट करके भी कर सकते हैं तो आपने क्या किया यहां पर मैंने बहरहाल थोड़ा सा लंबा काम किया एक्स का क्योंकि कुछ बाजार बच्चे जो होते हैं वो नहीं समझ रहे होते हैं तो मैंने उसको इस तरीके से करके किया अल्टीमेटली बात वही है कि आपने प्रॉफिट को डिवाइड किया परसेंटेज पे तो आपके पास जो है वो ये टू हंड्रेड आ गए तो व्हाट इट मीन कि आपकी जो इन्वेस्ट जो आपकी होटल पे आपकी इन्वेस्टमेंट हुई हुई है वो वैल्यू क्या रख रही है दो सौ मिलियन वैल्यू रख रही है अब दो सौ मिलियन जो वैल्यू है उस पर वो कहता है फाइव परसेंट फ्रॉम सेल वुड बी एक्सपेंडेड इन क्लोजिंग द डील 5% परसेंट उस पर जो है उसको अगर आप बेचते हैं एसेट को तो आपको खर्च करना पड़ेगा 5% परसेंट अगर आपको उस पर खर्च करना पड़ेगा तो कितने रुपए बनते हैं टू हंड्रेड का फाइव परसेंट क्या बनता है बेटे टेन ये मैंने यहाँ पे कैलकुलेट किया तो नेट आपको क्या रिकवर होगा तो क्या इसको हम फेयर लेस कॉस्ट टू तो सेल कह सकते हैं अब फेयर वैल्यूलेस कॉस्ट टू तो सेल तो मेरे पास आ गई है 190. अब मेरे पास वैल्यू इन यूज कैलकुलेट करनी है कैश फ्लोज मेरे पास हैं 28 की कैश फ्लो मुझे मिलेगी रेगुलरली ठीक है और जब मैं इसको बेचूंगा इसकी जिंदगी के अख्ताम पर उसने हमें कहा हुआ है कि इसकी रेजिडल वैल्यू जो है वो 60 बनती है ये एसेट की रेजिडल वैल्यू जो है वो सिक्सटी जब एसेट हम बेचेंगे तो 60 सिक्सटी की रेजल वैल्यू इसकी बनती है ये सिक्सटी हमें उस वक्त मिलेगा अब इस पर टेंथ पीरियड का रेट लगेगा इस पर एनिटी नहीं लगेगा ये वो बात है जो मैं आपको समझा रहा था क्योंकि दसवें साल के एंड पर ये कैश फ्लो होनी है ये सारा दस साल नहीं होती रहनी जबकि ये जो है ये अट्ठाईस मिलियन की आपको दस साल कैश फ्लोज मिलनी है इसलिए पी वी आई ए इस पर अप्लाई होगा ये कॉन्सेप्ट समझते हैं बेटे ये इस पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था कि इसमें पी वी आई एफ एंड पी वी आई एफ ए दोनों की एप्लीकेशन है इसमें प्रोबेबिलिटी है इसके अंदर उसकी मार्केट मल्टीप्लायर के साथ रिवर्स वर्किंग करते हुए फेयर वैल्यू का मालूम करना है दो तीन पॉइंट्स इसमें बहुत अहम हैं इसलिए इस क्वेश्चन को आप वजों के साथ दोबारा से जरूर कीजिएगा राइट right. अब मैं आपको लेके चलता हूं आई एस एट की तरफ आई एस एट इज अबाउट अकाउंटिंग पॉलिसीज चेंजेस इन अकाउंटिंग एस्टिमेट्स एंड एरर्स। स्टूडेंट्स अमूमन कंफ्यूज होते हैं अकाउंटिंग पॉलिसी और और अकाउंटिंग एस्टीमेट को पहचानने में अकाउंटिंग एस्टीमेट के बारे में याद रखिएगा एक अप्रोक्सीमेटिड अमाउंट होती है अप्रोक्सीमेशन ऑफ द वैल्यू ऑफ एन इंफॉर्मेशन आपको एग्जैक्टली exactly नहीं पता आपने अंदाजा लगाया फॉर एग्जाम्पल डेप्रीसी क्या इन्वाइस पे लिखी हुई आती है डेप्रीसी लाइफ क्या एसेट के साथ यूजफुल लाइफ जो लिखी हुई होती है एग्जैक्टली exactly वही आपकी यूजफुल लाइफ होती है नहीं रेजिडल वैल्यू ये तमाम डिपेंड करती है कि किसी इन्वायरमेंट में आप उसको यूज कर रहे हैं और उस एनवायरमेंट के मुताबिक इसकी यूजफुल लाइफ क्या होगी रेजिडल वैल्यू क्या होगी और फिर उसकी डेप्रिसिएशन क्या होगी पैटर्न ऑफ इकोनॉमिक बेनिफिट पैटर्न ऑफ इकोनॉमिक बेनिफिट जो है वो बेस बनता है डेप्रिसिएशन मेथड को सिलेक्ट करने की अब वो पैटर्न ऑफ इकोनॉमिक बेनिफिट पे बेस करता है rate, sorry, method, तो पॉलिसी क्या है डेप्रिसिएशन तो की पॉलिसी ये है कि मैंने एसेट को डेप्रिसिएट करना है क्योंकि ये भी तो हो सकता है ना आप कहें कि नहीं मेरी पॉलिसी मैंने एसेट को डेप्रिसिएट ही नहीं करना ये हो सकती है क्या नहीं हो सकती है आई नो फर्गेनाइजिएशन कहती है नहीं हमने नहीं चार्ज करने अब वो आई ए सिक्सटीन की वर्जी तो कर रहे हैं लेकिन अकाउंटिंग ठीक है उनकी बैलेंस शीट में एसेट नजर आ रहा है जितने का खरीदा था एक्सपेंस में डेप्रिसन नजर नहीं आ रही वो कह रहे नहीं जी हम तो डेप्रिसिएट करेंगे नहीं जब बेचेंगे उस वक्त देख लेंगे कितने का बिका सारा का सारा लॉस उस साल में अकाउंटफॉर करना चाह रहे हैं पॉलिसी है इसको पॉलिसी कह रहे हैं जिसमें कोई एक्सपर्ट अपनी अप्रोक्सीमेशन नहीं दे रहा येस और नो तो आई 16 सिक्सटीन पॉलिसी देता है कि डेप्रिसिएट करो तो डेप्रिसिएशन का करना एक पॉलिसी है हां उसका मेथड, सॉरी uh, उसका मॉडल क्या होगा कॉस्ट मॉडल है या रिवेल्यूशन मॉडल है ये भी एक पॉलिसी है उसकी सबसिक मैरमेंट आपने कॉस्ट मॉडल पे करनी है या उसकी सबसेकेंट आपने फेयर वैल्यू मॉडल पे यानी कि रिवेल्यूशन मॉडल पे करनी है ये एक पॉलिसी है इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी कॉस्ट पे करनी है फेयर वैल्यू मॉडल पे करनी पॉलिसी है फाइव फोर या वेटेड एवरेज अप्लाई करना है पॉलिसी है लेकिन एनआरवी का कैलकुलेट करना तो एक एस्टिमेट है ना चेंज हो सकता है एस्टिमेट आपने गिवन स्नैरियो के मुताबिक कैलकुलेशन की है अप्रोक्सीमेशन की है प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट का कैलकुलेट करना एक एस्टीमेट है ठीक है और प्रोविजंस क्रिएट करना एक पॉलिसी है आपको नहीं जी मैं प्रोविजन क्रिएट ही नहीं करता जब बैड होगा तो उसको एक्सपेंस कह दूंगा जरा थोड़ा सा से इसको एंगल सोचो मैं अपनी ऑर्गेनाइजेशन में कहता हूं कि जब बैड होगा तो उसको एक्सपेंस आउट कर दूंगा बैड डेट्स को डेबिट करके डेटर्स को क्रेडिट कर दूंगा राइट right ऑफ कर दूंगा जब तक बैड नहीं होता मैं प्रोविजन नहीं क्रिएट करता तो आप आई एफ आर एस नाइन की पॉलिसी की खिलाफ वर्जी कर रहे हैं आई एफ आर एस नाइन कहता है कि जो आपके फाइनेंशियल एसेट्स हैं उनके अगेंस्ट आप एक्सपेक्टेड क्रेडिट लॉसेस को सामने रखते हुए प्रोविजनिंग करें फॉलो कर रहे हो तो ये पॉलिसी और इसका एस्टिमेट का फर्क है अच्छा एक छोटा सा सवाल एक आध नंबर का एग्जामिनर तंग करने के लिए आपको पूछ सकता है कि जनाब अगर कॉन्फ्लिक्ट आ गया है कि पॉलिसी है कि एस्टिमेट है तो आप उसको क्या एज्यूम करेंगे स्टैंडर्ड कहता है कि आप उसको एस्टिमेट एज्यूम करें अगर बड़ी क्लोज कॉन्फ्लिक्ट आ गया है जिसमें आप समझते हैं कि नहीं जी ये तो एस्टिमेट है और कहते हैं कि नहीं जी पॉलिसी भी तो हो सकती है अब आप क्या करेंगे आप उसको एस्टिमेट कहेंगे स्टैंडर्ड कहता है अब पॉलिसी और एस्टिमेट की बातें समझ लीजिए चेंज इन अकाउंटिंग एस्टिमेट जिस साल में रूनुमा होगी उसी साल में उसको स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस में इंपैक्ट देंगे और ऑनवर्ड्स पिछले सालों में नहीं घुसेंगे फॉर एग्जाम्पल डेप्रिसिएशन रेट का आपने कई मरतबा देखा डेप्रिसिएशन रेट चेंज हो गया जब डेप्रिसिएशन रेट चेंज हुआ तो क्या इसका मतलब पिछले साल जो डेप्रिसिएशन रेट किया था वो गलत था नहीं वो पिछले साल के सिनेरियो के मुताबिक बिल्कुल था ठीक था करेक्ट था अब जो सिनेरियो चेंज हो गया तो रेट चेंज करना पड़ेगा लिहाजा पिछले साल की अकाउंटिंग गलत नहीं है तो इसकी जब जिस साल में एस्टिमेट चेंज होगा उस साल में आप रिफ्लेक्शन लेकर आएंगे प्रॉफिट और लॉस के अंदर एंड ऑनवर्ड्स अगर वो इंपैक्ट दे रहा है जबकि पॉलिसी अगर चेंज होती है तो आपको पिछले सालों की जब वो फर्स्ट टाइम पॉलिसी अडॉप्ट हुई थी पिछले सालों की जितने भी फाइनेंशियल इंपैक्ट हैं कैलकुलेट करके ओपनिंग बैलेंस ऑफ रिटेन अर्निंग में उसका इंपैक्ट दिखाना होगा कि जी आपके ओपनिंग बैलेंस ऑफ रिटेन अर्निंग्स जो है वो चेंज हो गए का मतलब है कि पिछले सालों के जो गुनाह थे वो धुल गए ठीक है ओपनिंग बैलेंस ऑफ रिटेन अर्निंग्स में आपने इंपैक्ट दे दिया ना और जो इस साल में इंपैक्ट आता है उसको इस साल में इंपैक्ट दे दें इसको कहते हैं रिट्रोस्पेक्टिव इंपैक्ट रिट्रोस्पेक्ट में जा रहे हैं आप और जो चेंज इन अकाउंटिंग एस्टिमेट है उसको कहते हैं प्रोस्पेक्टिव इंपैक्ट आप उस उसपे प्रोस्पेक्टिव इंपैक्ट ले रहे हैं अब एरर के बारे में भी मुख्तर सी बात सुन लीजिए एरर पर भी रिट्रोस्पेक्टिव रीस्टेटमेंट होती है एरर पिछले सालों के एरर की बात हो रही है इस साल की एरर की बात नहीं हो रही जो इस साल का एरर है इसी साल में ठीक हो जाएगा बात खत्म पिछले साल आपसे एक एरर हो गया गलत अकाउंटिंग हो गई गलत कैलकुलेशन हो गई जिसकी वजह से आपके प्रॉफिट्स चेंज हो गए एसेट्स की फिगर्स चेंज हो गई लाइबिलिटीज की फिगर्स चेंज हो गई आप जहां पर एरर हुआ था फर्स्ट टाइम वहां से आप उठाएंगे उसका इम्पैक्ट इस साल के रिटेन अर्निंग्स पे ओपनिंग रिटेन अर्निंग्स पे आप उसका इम्पैक्ट लेकर आएंगे ये कुछ स्नैरियोज सेल्फ क्रिएटेड स्नैरियोज हैं ये आप देखिएगा बड़े लॉजिकल कॉन्सेप्ट हैं इसके अंदर ये चेंज इन अकाउंटिंग एस्टिमेट है आपका डेप्रिसिएशन uh, की यूजफुल लाइफ चेंज हो रही है और यहाँ पर पॉलिसी चेंज हो रही है आप फर्स्ट इन फर्स्ट आउट से वेटिड एवरेज पे आ रहे हैं ये बेटे मैं एक आपके साथ शेयर करूँगा छोटी सी वर्किंग जो स्टूडेंट्स को अमूमन बॉदर करती है आपके क्लोजिंग इन्वेंट्री इंक्रीज अगर हो जाती है किसी वजह से तो आपका प्रॉफिट इंक्रीज़ हो जाता है और अगर क्लोजिंग इन्वेंट्री डिक्रीज हो जाती है तो आपका प्रॉफिट डिक्रीज़ हो जाता है ओपनिंग इन्वेंट्री अगर इंक्रीज़ होती है तो प्रॉफिट डिक्रीज हो जाता है अगर ओपनिंग इन्वेंट्री डिक्रीज़ होती है तो प्रॉफिट इंक्रीज़ हो जाता है कॉन्सेप्ट क्या है हल्का सा सुन लो इन्वेंट्री कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को अफेक्ट करती है यस और नो ओपनिंग इन्वेंट्री अगर इंक्रीज हो गई किसी वजह से तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इंक्रीज हो जाएगी मैं दोबारा बोलता हूं ओपनिंग इन्वेंट्री जो है वो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में ऐड होती है यस और नो यस अगर ओपनिंग इन्वेंट्री ओवर स्टेट हो गई है तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड बढ़ जाएगी yes. जब कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड बढ़ेगी तो प्रॉफिट गिरेंगे अब बाकी की चारों बातें आप खुद से अपने आप को समझाएं समझ आ जाएंगे बिल्कुल फिट बैठेंगे अब ये सिनेरियो में पैदा करता है जब वो कहता है कि हम तो पहले फर्स्ट इन फर्स्ट आउट पे अकाउंटिंग कर रहे थे आप वेटेड एवरेज पे हमने अकाउंटिंग करनी है अब आप मुझे बताइए अगर आप फर्स्ट इन फर्स्ट आउट पे पहले इन्वेंट्री को मैयर कर रहे थे अब आपने वेटेड एवरेज पे स्विच करना है 37 आपकी इन्वेंट्री थी 31 दिसंबर 2013 को वेटिड एवरेज में 35.5 फाइव इन्वेंट्री हो जाएगी तो जो 31 दिसंबर 2013 को अगर मैं क्लोजिंग डेट कहता हूँ उस साल की 2013 की रिपोर्टिंग पीरियड की तो ये मेरी इन्वेंट्री डिक्रीज कर रही है ना 1.5 से जब इन्वेंट्री डिक्रीज करेगी तो 2013 के प्रॉफिट्स डिक्रीज करेंगे ये इंपैक्ट आपसे वो पूछता है अब जब आप 2014 में आएंगे बेटे तो 2013 ओपनिंग हो जाएगी इस पीरियड के लिए यस और नो जब 2014 की आप प्रॉफिट की कैलकुलेशन कर रहे हैं तो जो 2013 का इन्वेंट्री का बैलेंस है वो ओपनिंग बैलेंस बन जाएगा अब उसका क्या इंपैक्ट आएगा अब 1.5 से ओपनिंग इन्वेंट्री डिक्रीज कर रही है प्रॉफिट्स इंक्रीज कर जाएंगे और 2014 के क्लोजिंग इन्वेंट्री आपकी इंक्रीज कर रही है 2.2 से तो आपके प्रॉफिट्स इंक्रीज कर जाएंगे आप पहले बुनियादी बात यहां पे क्लियर हो चुके हुए हो ठीक है फॉलो किया तो बेटे अगर यह आपको कॉन्सेप्ट में बात बैठ जाती है तो इस तरह का कितना मुश्किल से मुश्किल सवाल क्यों ना आ जाए आप उसको चुटकी में सॉल्व करेंगे लॉजिक बनता है बेटे ये अकाउंटिंग पॉलिसी में अमूमन वो इस तरह का सवाल पूछता है ओके okay? वेल well. ये मैंने इसके इंपैक्ट ऑन प्रॉफिट्स कैलकुलेट करके आपको वर्किंग की हुई है आगे चलते हैं इसके डिस्क्लोजर्स ये एरर्स के डिस्क्लोजर्स आपका एरर भी हो सकता था ये तो मैंने अभी चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी कहा ना पिछले साल इन्वेंट्री जो है वो ओवर वैल्यू या अंडर वैल्यू होगी किसी वजह से तो उसका इंपैक्ट तो आएगा ना आपके फिर इस साल के प्रॉफिट में पिछले साल के प्रॉफिट्स में भी कहता है जब एरर हो तो आपने कम अज कम डिस्क्लोजर्स देने हैं अगेन मैंने आपको आज क्या कहा है जो आपने दो घंटे की काम एक एक होमवर्क दिया दो घंटे का क्या काम दिया आपको मैंने डिस्कलोयर्स की अपनी बुकलेट बना के डिस्प्ले करनी है यूट्यूब पे चढ़ानी है हैं कहाँ से मिलेंगे आपको डिस्कलोयर्स आई क्या आपकी किताब से आराम से मिल जाएंगे और मेरे बेटे एक छोटी सी बात ये तो आप पढ़ेंगे लेकिन मेरी ये बात सुन लें मैं ट्रेनिंग में एक मरत ये बात की थी मैंने कहा था डोंट स्पेयर बीजी जी वॉट इज दिस बीजी मैं ब्रदर गूगल आप उसको यू जी कह दें या ए जी कह दें अंकल गूगल या आंटी गूगल चाचा गूगल कह दें बट डोंट स्पेयर दिस गूगल मुझे जब भी कोई जरा सी भी बात समझ नहीं आ रही होती या मैं उसको करोबरेट करना चाहता हूं मैं फौरन गूगल में वो दो लाइंस लिखता हूं मुझे गूगल फौरन बता देता है कि जी ये ये इसके ऊपर राय है आपको प्रैक्टिकल स्नैरियो देखना है एरर के डिस्कलोयर्स का लिखें प्रैक्टिकल स्नैरियो ऑफ एर यू विल गेट द रिजल्ट ये जो भी आपका सी बी जी बी यू बी ए बी जो भी है इसको गूगल को जो है आप जरा थोड़ा सा तंग किया करें इससे तंग ना हुआ करें आप लोग इससे तंग होते हो ठीक है इसको तंग किया करें इस, इससे पूछें मुझे बताएं कि फाइनेंशियल रिपोर्टिंग किस तरह से होती है इससे पूछें डेप्रिसिएशन के कैलकुलेशन के मेथड्स क्या है इजी मेथड बताएं क्या है ये काम आप YouTube पे बहुत अच्छा कर सकते हैं छोटे छोटे लेक्चर्स आपको मिलते हैं पांच पांच मिनट के ठीक है मामा बाबा से ये कहकर लैपटॉप खरीदा था ना कि स्टडीज के लिए इस्तेमाल करना दिल पे हाथ रख के पूछो ये सवाल का जवाब तो स्टडीज के लिए बेटे ऑल इज वेल स्टडीज के लिए इसको इस्तेमाल करो बेटे आपका यह डिस्क्लोजर का अगर दो घंटे की प्रोडक्टिविटी आ जाती है आपकी यकीन कीजिए आपके दस पंद्रह नंबर कम से कम दस पंद्रह नंबर आपके तैयार हो जाते हैं मैंने मुश्किल वाला डिस्क्लोजर बाकायदा बनाकर दे दिया ठीक है और यह डिस्क्लोजर जो एरर्स का है ये मैं जुबानी आपके सामने पढ़ के दे रहा हूं और सवाल को पढ़ते जाओ डिस्क्लोजर को अंडरलाइन करते जाओ बाद में रीराइट कर दो या साथ साथ उसको लिखते जाओ अपनी आंसर स्क्रिप्ट के अंदर क्या कह रहा है नेचर ऑफ द प्रायर पीरियड एरर क्या एरर हुआ था डेप्रिसिएशन ओवरचार्ज हो गई थी सीधा साहब कितना कोई लंबा चौड़ा डिस्क्लोजर है इन्वेंट्री शीट जो है ओवरचार्ज हो गई थी सेल्स इन्वाइसिस ज्यादा भेजी गई थी डेबिट नोट्स रिकॉर्ड नहीं हुए थे क्रेडिट नोट्स रिकॉर्ड नहीं हुए थे या रिवर्स कैलकुलेशन हो गई थी उनकी ये नेचर है वो कहता है बता दो इसको डिस्क्लोज कर दो सवाल के अंदर लिखा होगा कि जी ये आपसे गलती हुई है पिछले सालों में वो जुमला लिख दो एग्जामिनर कहेगा वाह भाई क्या बात है पढ़ा लिखा बच्चा फॉर ईच पीरियड प्रेजेंटेड इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एंड टू द एक्सटेंट प्रैक्टिकेबल अगली ये बात भी उसमें लिखी होती है कि जी गलती तो आपसे 10 साल पहले हुई थी लेकिन हम पिछले दस सालों का रिकॉर्ड नहीं निकाल सकते हमें उसका इंपैक्ट सिर्फ पिछले दो सालों में नजर आ रहा है वो ये है ये जुमला उधर लिख दो कि गलती तो पिछले दस सालों में हुई थी हम नहीं कर सकते वो ये है बस डिस्कलोजर हो गया डिस्कलोजर है क्या इसका कॉन्सेप्ट समझिए इसका कॉन्सेप्ट ये है क्या दादी जान को बैलेंस शीट समझ आ जाएगी उनके सामने जब आएगी लिखी हुई दादी कहेगी ये क्या एसर्ट और ये क्या लाइबिलिटीज और क्या काका का मैं अंग्रेजी तो पढ़ सकती हूँ लेकिन मुझे नहीं समझ आ रही श्पिंग शपिंग करके गुजरेंगी बातें दादी के दाएं बाएं से अब दादो के लिए डिस्कलोयर्स आप खोल के दिखाएंगे दादो जान देखें इसमें ये लिखा हुआ है कि हमने ये जो लैंड खरीदी थी ये रीवैल्यू हुई हुई है फलाने अंकल ने इसको रीवैल्यू किया था जो इंडिपेंडेंट वैल्यू अच्छा अच्छा अब दादो को समझ आई बैलेंस शीट के अंदर क्या चीज है समझ गयो तो डिस्क्लोइर्स बेटे आपने आई एस बी फ्रेमवर्क के अंदर एक क्वालिटेटिव प्रैक्टिस पढ़ी है अंडरस्टैंडेबिलिटी अंडरस्टैंडेबिलिटी कैसे स्टेब्लिश होती है जब डिस्कलोइर्स आते हैं अदरवाइज कैसे अंडरस्टैंडेबल होंगी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बेटे दोबारा इस बात को समझो कि यह प्रोफेशन है जो कि एक तरीके से रेगुलेट हो रहा है और आप इससे दूसरों तक कुछ कम्युनिकेट कर रहे हैं इसके जरिए से आप सोसाइटी में कुछ कंट्रीब्यूट कर रहे हैं और कंट्रीब्यूशन क्या है कि ऑफ एन एंटिटी शुड बी ट्रांसपेरेंटली प्रेजेंटेड उसकी ट्रांसपेरेंसी के लिए आप ये सारे स्टैंडर्ड उसके ऊपर अप्लाई कर रहे हैं और शुड बी अंडरस्टैंडेबल के लिए आप उसको डिस्कलोज कर रहे हैं इसलिए नोट्स को बाकायदा इंटेग्रल पार्ट के तौर पर कहा गया है कॉम्पोनेट के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के कॉम्पोनेट में पांचवा कॉम्पोनेट है नोट्स ठीक है ये है कॉन्सेप्ट अगला देखें अमाउंट ऑफ द करेक्शन एट द बिगनिंग एंड अब जो भी अमाउंट करेक्शन की है आपने कैलकुलेट कर दी डिस्क्लोज़ कर दो जल्दी जल्दी से मुफ्त के नंबर हैं बिल्कुल मुफ्त के नंबर और अगर ये चीजें ना हो पांच नंबर का डिस्क्लोज़र छोड़ के आ जाओगे यार मैं तो पढ़ा ही नहीं था यार डिस्क्लोजर यार और था क्या यार मुफ्त का था यार ठीक है अब वो रिट्रोस्पेक्टिव अभी मैंने आपसे बात की इफ रिट्रोस्पेक्टिव री स्टेटमेंट इज नॉट प्रैक्टिकल फॉर प्रायर पीरियड एंड एक्सप्लेनेशन ऑफ हाउ एंड द हैज बीन करेक्टेड बता दो प्रैक्टिकल नहीं था एक जुमला लिखना है ना कि प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं था तो इसको हमने भी प्रोस्पेक्टिव इंपैक्ट दिया बात खत्म या पिछले दो साल पीछे जाके मैंने इसको इंपैक्ट दिया बात खत्म डिस्क्लोजर हो गया एरर्स का ठीक बात मैं अब आपके साथ पॉलिसी के डिस्कलोजर्स भी चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी के डिस्कलोजर्स भी आपको बता देता हूं अच्छा बेटे अकाउंटिंग पॉलिसी दो वजूहत की बुनियाद पर चेंज करना पड़ती है एक ये कि कोई रेगुलेशन में चेंज आ गई हम जब रेगुलेशन कह रहे हैं तो हम आई एफ आर एस को रेगुलेशन कह रहे हैं या पाकिस्तान में कंपनीज को जो ट्रीट कर रहा है सी वो रेगुलेशन है वो रेगुलेटर है वो जो जो भी बात करेगा वो एक रेगुलेशन के तो क्यों नहीं मानेंगे तो वो हमें फाइन इंपोज करेगा तो रेगुलेशन आपको कहती है कि आपने इस अकाउंटिंग ट्रीटमेंट को इन तरीकों से करना है वो रेगुलेशन चेंज हो जाती है तरीका आपको डिफरेंट करना पड़ जाता है जैसे पिछले चंद सालों में रेवेन्यू को कैसे रिकग्नाइज करना है पहले आई एस एटीन था अब आई एफ आर एस फिफ्टीन है लीजिस को कैसे अकाउंट फॉर करना है पहले आई एस सेवनटीन था अब आई एफ आर एस सिक्सटीन है फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट आई एफ आर एस नाइन अभी मैंने आपसे बात की पहले एस थर्टी नाइन था अब आई एफ आर एस नाइन है पिछले साले साल के साले जो है वो खत्म हो गए सुपरसीड हो गए अब क्या हुआ पॉलिसी चेंज हो गई अब जब पॉलिसी चेंज हुई थी तो चेंज बिकॉज ऑफ नया आई एफ आर एस है ना उसके डिस्कलोजर चाहिए और दूसरा यह कि पॉलिसी स्टैंडर्ड चेंज नहीं हुआ बल्कि हम कॉस्ट मॉडल से रिवेल्यूशन मॉडल पे आ गए पॉलिसी चेंज की फाइव एवरेज पे आ गए पॉलिसी चेंज की ठीक है हमें ऑप्शंस दी हुई थी अब जब आपने पॉलिसी चेंज कर दी वॉलटरीली तो ये डिस्क्लोजर्स आप देंगे तो बुनियादी तौर पर तो पहले ये बातें समझ लीजिए कि पॉलिसी कैसे चेंज होती है और डिस्क्लोजर्स क्या बनते हैं अब कह रहे हैं कि टाइटल ऑफ आई फरस ऑब्वियसली अगर किसी आई की वजह से हुआ है तो आप उसका टाइटल देंगे अगर वो आई की वजह से नहीं चेंज आई है तो उसका टाइटल देने की जरूरत ही नहीं है यहां पर एक और छोटी सी बात करता चलो इसको प्लीज अगर आपकी जिंदगी का हिस्सा है तो निकाल दो। वन के चैप्टर नंबर फाइव को पढ़ा तूने कोई चैप्टर नंबर फाइव दिमाग में नहीं होना चाहिए आपको स्टैंडर्ड्स पता होने चाहिए वो यार वो थर्टी सिक्स पढ़ा है क्या कहता है थर्टी सिक्स थर्टी सिक्स क्या होता है यार? ठीक है ओ यार वो सोलो की यार उसके यार मुझसे यार वो डिस्क्लोजर यार समझ नहीं आ रहा यार सोलह यार ये सोलह होता है क्या ठीक है ये आपकी जिंदगी है बेटे ये सोलह छत्तीस बीस तेईस चार्टर्ड अकाउंटेंट हो आप लोगों को ये चीजें अप्लाई करनी है ठीक है चैप्टर नंबर कहीं पर काम नहीं आने वो बातें भूल जाओ जो बचपन में आपकी एफ एफ एस सी की बातें थी ओ यार फलाना चैप्टर बड़ा औखा यार नहीं होता यार मेरी रातों की नींदें उड़ा दी यार ठीक है ये प्लीज ऐसी बातें छोड़ दें नसीहतन कह रहा हूं आप टॉपिक्स को पकड़ें प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट पता हो क्या कह रहा है आइस एट क्या कह रहे हैं पॉलिसी क्या कह रही है एस्टिमेट्स क्या कह रहे हैं ठीक है योर है गुड अच्छा द नेचर ऑफ द चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी अकाउंटिंग पॉलिसी की नेचर क्या थी क्या चेंज किया हमने ठीक है अब देखो सारे डिस्क्रिप्टिव नोट्स हैं ना कोई इसमें आपको कोई तगड़ी किस्म की कैलकुलेशन नहीं करनी तो ये वो चीज है कि मैं आपसे जो बात कर रहा हूं आपने इस पर अपनी जब एक बुकलेट बना लेनी है सारी जिंदगी के लिए आपके दिमाग में रहनी और याद रखिएगा फाइनल लेवल तक ये आपके एग्जामिनेशन का हिस्सा होते हैं ठीक है फाइनल लेवल तक ये जो आपने अभी पढ़ लिया ना ऐसा नहीं है कि ये आपका अगले किसी एग्जामिनेशन में उसने नहीं पूछना फाइनल लेवल तक यही वाली बात आपसे पूछ सकता एग्जैक्टली exactly यही वाली बात मुझे फाइनल लेवल पर मेरे ख्याल से चेंज इन अकाउंटिंग एस्टीमेट के डिस्क्लोजर आए थे मैं अपने फाइनल की बात करूं बचपन की ठीक है उस वक्त मैं भी धंग रह गई मैं कोई और इतना सॉन तो बाज

तो ट्रांजिशन में है जैसे कि ट्रांजिशन आपको मैंने अभी बताया आई एस से आई एफ की तरफ जब आप गए तो उसने एक पीरियड दे दिया आपको कि दो साल आप इस तरीके से गुजारें और उसके बाद आपको जो है इस तरह से अकाउंटिंग करनी है वो आपको नए स्टैंडर्ड के आखिर में ट्रांजिशनल प्रोविज़न दी होती हैं और वो ट्रांजिशनल प्रोविजन में बताया होता है कि आपने किस तरीके से इस चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी को अकाउंट फॉर करना है ये ट्रांजिशनल प्रोविजन है डिस्क्रिप्शन ऑफ एनी ट्रांजिशनल प्रोविजन अब आपके ये टर्मिनोलॉजी थी आपको क्लियर होगी कि ट्रांजिशनल प्रोविजन होती क्या वेन एप्लीकेबल द ट्रांजिशनल प्रोविजन दट माइट पीरियड्स अगर एप्लीकेबल है कि उस ट्रांजिशनल प्रोविजन का फ्यूचर पे भी कोई इंपैक्ट है अब देख ट्रांजिशनल प्रोविजन का लफ्ज ही लिख देना एग्जामिनर को इंप्रेस कर देगा याद रखना वो अगर बच्चा पढ़ा लिखा भाई इसको फेल नहीं करना जिसने नहीं पढ़ा होगा वो इधर की उधर की मारेगा ना ठीक है और ट्रांजिशनल प्रोविजन आपको कॉन्सेप्चुअली क्लियर हो गई कि होती क्या कि नए स्टैंडर्ड में या चेंज्ड स्टैंडर्ड में किस तरह से आपने पॉलिसी चेंज को अकाउंट फॉर करना है वो ट्रांजिशनल प्रोविजन है द रीजन वाई द न्यू अकाउंटिंग पॉलिसी प्रोवाइड रिलायबल एंड ये वॉलंटियर का मसला है क्योंकि आपने वॉलंटियर किया ना आप फाइफो से वेटिड एवरेज पे जा रहे हो तो फाइफो पे मसला क्या था आपको आप कहें जी, मेरी प्रोडक्ट चेंज हो गई है या मार्केट प्राइसिज इतनी ऊपर नीचे आ रही हैं कि मैंने कहा कि मैं अगर वेटी ड्राइवरी पे करूं तो ज़्यादा बेहतर होगा बजाय इसके कि फर्स्ट इन फर्स्ट आउट पे मैं लेकर चलूं आपने जस्टिफाई कर दिया यूज़र को समझ आ गई कि पहले फर्स्ट इन फर्स्ट आउट था वेटी ड्राइवरीज हो गया और ये उसकी चेंजेस हैं कंपैरेटिव भी आपने चेंज कर दिया याद रखना जब भी पॉलिसी चेंज होती है कंपेरेटिव भी चेंज होते हैं आपके ठीक बात

हमारे सिलेबस का हिस्सा है अब आईएस 33 अर्निंग्स पर शेयर जो लिस्टेड एंटिटीज होती हैं लिस्टेड कंपनीज होती हैं उनको अर्निंग्स पर शेयर कैलकुलेट करके अपनी फेस पे शो करना होता है कि जी हमारी पर शेयर अर्निंग है ताकि उसके शेयर होल्डर को आसानी से पता चल जाए कि वो कमा क्या रहा है एक शेयर के बदले टू द एक्सटेंट प्रैक्टिकेबल

डेटा का मतलब है कि उस नंबर ऑफ शेयर्स नहीं दिए हुए so तो ईपीएस तो कैलकुलेट नहीं हो सकेगा लेकिन आप एग्जामिनर को यह तो शो करो ना मैं पढ़ा लिखा हूं ठीक है मैंने तैयार किया हुआ इसको इफ री एप्लीकेशन इज इम्प्रैक्टिकेबल एन एक्सप्लेनेशन ये तो लाजिमन आपके में होनी चाहिए बात <laughs> अगर इम्प्रैक्टिकेबल है पिछले सालों में जाना तो आपने एक छोटी सी स्टेटमेंट देनी है कि इट इज इम्प्रैक्टिकेबल देयरफॉर आई एम वर्किंग इट आउट स्पेक्टिवलीटे आई ट्रस्ट अच्छा ये एक नोट मैंने यहाँ पर इसका लिखा था ये इस सवाल के लिए वंडर लिमिटेड का नोट्स टू फाइनेंशियल स्टेटमेंट का एक्सट्रैक्ट, चेंज इन अकाउंटिंग एस्टिमेट के लिए मैंने एरर्स का आपको बता दिया अकाउंटिंग पॉलिसी के बता दिया चेंज इन अकाउंटिंग एस्टीमेट के लिए वो क्या कहता है कि डिस्क्लोजर्स क्या है आपकी एस्टीमेट क्या है उसकी नेचर बता दो कि भाई कौन सी चीज चेंज हुई है डेप्रिसिएशन रेट चेंज हुआ है यूजफुल लाइफ चेंज हुई है रेजुल वैल्यू चेंज हुई है वो बता दो ठीक है उसकी नेचर बता दो उसका फाइनेंशियल इंपैक्ट क्या है करंट पीरियड में और रिमेनिंग लाइफ उसकी जो है सिक्स पे उसकी डेप्रिसिएशन कैलकुलेट होगी और ये उस एरर से मुतल थी इसके अंदर एरर भी था एक कि करेक्शन ऑफ एरर ड्यूरिंग द ईयर जो है उसकी क्या है बोस इरोनियसली इंक्लूडेड इन द मशीन ये सवाल बहुत मज़े का है इस क्वेश्चन को आप लोग सॉल्व कीजिएगा इस तरह के दो सवाल गालिबा आपकी बुक में हैं हल्का सा मैं इस पर डिस्कस कर लेता हूँ दो तीन मिनट में वो कह रहा है कि 2014 में हमारे पास एक मशीन एक कॉस्ट ऑफ रिपेयर अमाउंटिंग 20 मिलियन वो एरोनियसली डेबिटेड टू द मशीन हमने रिपेयर कराई थी गलती से डेबिट हो गई मशीन के अंदर अब देखो होगा क्या रिपेयर तो एक्सपेंस में जाना चाहिए था गलती से कहाँ चला गया एसेट में हमारे एसेट्स बढ़ गए एसेट्स में जाने की वजह से उसकी डेप्रिसिएशन भी बढ़ गई टू द एक्सटेंट ऑफ डेप्रिसिएशन हमारा एक्सपेंस उतना बढ़ गया रिपेयर 20 से नहीं एक्सपेंस आउट हुई लेकिन उसका जो डेप्रिसिएशन का एक एलिमेंट है उससे हो गई तो अब इस इंपैक्ट को रिवर्स करना है आपने 2014 के साल में और उसकी रिफ्लेक्शन अगर 2015 में आती है तो 2015 पे भी आपने करना यहां पर मैंने वो तीनों की इंपैक्ट बता दिए कि प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट पे 2014 में क्या इंपैक्ट आ रहा है वो नेट ऑफ डेप्रिसिएशन 20 क्योंकि वो एसेट बन गया था ना उसको एसेट में से बाहर निकालेंगे लेकिन नेट ऑफ डेप्रिसिएशन क्योंकि डेप्रिसिएशन माइनस हो चुकी हुई होगी और उतने से आपके जो हैं वो रिटेन अर्निंग्स भी इंपैक्ट होंगी और उस साल के प्रॉफिट्स भी इंपैक्ट होंगे फॉलो कर रहे हो जब आप उसको एक्सपेंस के तौर पर लेके जाएंगे तो आपके प्रॉफिट्स भी रिड्यूस करेंगे और ऑब्वियसली रिटेन अर्निंग भी रिड्यूस करेंगे और अगले साल में भी उसका जो है वो एसेट का इंपैक्ट अगले साल की डेप्रिसिएशन माइनस करके आएगा रिटेन अर्निंग्स में भी अगले साल की डेप्रिसिएशन टू और पिछले साल की वन पॉइंट फाइव मिलकर थ्री पॉइंट फाइव बनती है हाँ अलबत्ता अगले साल के प्रॉफिट में सिर्फ उसकी डेप्रिसिएशन की हद तक का इंपैक्ट आएगा फॉर द ईयर प्रॉफिट होता है ना बस जी मैं यहीं पे इक्तफा करता हूँ और सुबह कल इन शाह मुलाकात होगी हमारे नए टॉपिक्स के साथ एक मरतबा दोबारा वो टॉपिक्स मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ दैट वी वुड बी डिस्कसिंग टुमारो इनशाला दैट इज एन नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन और इसमें एन में मैं खास तौर पर बात करूंगा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स फॉर एन की ठीक है वो इंपॉर्टेंट मुझे नज़र आ रहे हैं इस मरतबा स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन एक्विटी की बात करेंगे हम स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लोज फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस रेशोज एंडरप्रटेशन अर्निंग्स पर शेयर एंड आई एस बी फ्रेमवर्क पे हल्की किसी गुफ्तु होगी इन शाला राइट right, जी अनायत साहब ओवर टू यू थैंक यू वेरी मच बच्चों डेट सर थैंक यू वेरी मच फॉर योर दिस सेशन एंड इतने कम वक्त में आपने इतना सारा आ, कवर किया माशाल्लाह और जो अहम से बच्चों तक पहुँचाए सर आपका बहुत बहुत शुक्रिया yes. जो मटेरियल है ये हम शेयर कर देंगे आप आ, ले सकते हैं इस वीडियो की आ, नीचे लिंक में इतम मटेरियल जो सर ने आज यूज़ किया है ये हम कॉपी कर देंगे इन ताला कल इस सेशन का पार्ट टू नाइन थर्टी के ऊपर शुरू होगा अभी तीन बजे एक वेबिनार हो रहा है विच इज़ द ऑन एग्ज़ामिनेशन टेक्निक्स वेरी इंपॉर्टेंट सेशन तो स्टूडेंट्स जो हैं जरूर ज्वाइन करें तब तक के लिए इजाज़त दीजिएगा थैंक यू वेरी मच टेक केयर अल्लाह हाफिज़